हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे हैं द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, डेली टेस्ट फिजिकल एजुकेशन की जो MCQ की सीरीज हमारी चालू है, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए कि मैं आप लोगों के लिए और नए नए क्वेश्चन और नए नए वीडियोज़ ला सकूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को हम लोग वीडियो का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी वॉज। तो कौन था? टीना अंबानी। दूसरा ऑप्शन है सानिया मिर्जा। तीसरा ऑप्शन है PT उषा। और चौथा ऑप्शन है नीता अंबानी। तो दोस्तों, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी वॉज जो थी, वो थी दोस्तों नीता अंबानी। तो हमारा सही आंसर है डी। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, अगर क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आप लोगों को आंसर आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उससे मुझे पता चलेगा कि इस क्वेश्चंस का लेवल लो है या हाई है, इंटरमीडिएट लेवल है। तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने का ट्राई करूंगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पे देखेंगे। लोडोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो पहला ऑप्शन है बैक कर्व, दूसरा ऑप्शन है होलो बैक, तीसरा ऑप्शन है राउंड बैक और चौथा ऑप्शन है लैटरल बैक। तो दोस्तों, जो लोडोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हम लोग जिसको बोलते हैं, वो है दोस्तों हॉलो बैक। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया, टाइप्स ऑफ पोस्टर डिफॉर्मिटीज के पार्ट है दोस्तों। ओके, अब बढ़ेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बींग इज इन्फेंसी, दूसरा ऑप्शन है प्यूबर्टी, तीसरा ऑप्शन है एडोलेसेंस, चौथा ऑप्शन है चाइल्डहुड। तो दोस्तों, जो फास्टेस्ट पीरियड ग्रोथ इन ह्यूमन बींग होता है दोस्तों, वो होता है इन्फेंसी। ओके, हमारा सही आंसर है ए। अब बढ़ेंगे चौथे नंबर क्वेश्चंस की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहाँ पे, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज। तो पहला ऑप्शन है स्पीड, दूसरा ऑप्शन है एंडोरेंस, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथ और चौथा ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, वो होता है स्ट्रेंथ। हमारा सही आंसर है सी। इस वीडियो का पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ साइकोलॉजी इज। पहला ऑप्शन है वुड, दूसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्रेड, तीसरा ऑप्शन है जॉन बी वॉटसन, चौथा ऑप्शन इवान पल्वे। तो दोस्तों, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है दोस्तों, वो है वुड। तो हमारा सही आंसर है ए। ना छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे अब हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन विच मसल्स लेंथ इज, मीन्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में जो मसल्स लेंथ होता है वो क्या होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है लेंथेनिंग, दूसरा ऑप्शन है कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन है शॉर्टेंड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो आइसोमेट्रिक में एक्सरसाइज इज द वन इन विच मसल्स लेंथ जो होता है दोस्तों, वो होता है कांस्टेंट। तो हमारा सही आंसर है बी। अब सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे यहाँ पे हम लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है, स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज। ओके, स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज को क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है वेट ट्रेनिंग, दूसरा ऑप्शन है फाटलेट ट्रेनिंग, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर ट्रेनिंग और चौथा ऑप्शन है इंटरवल ट्रेनिंग। तो दोस्तों, स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज फाटलेट ट्रेनिंग। ओके, तो हमारा सही आंसर है बी। अब बढ़ते आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे यहाँ पे। आठवां नंबर क्वेश्चन है, टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड, सेकेंड ऑप्शन है बिफोर स्किल आर मास्टर, थर्ड ऑप्शन है टैक्टिकल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग डन साइड बाय साइड और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन बाय होता है दोस्तों, वो होता है आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड। ओके, अब बढ़ते नवे नंबर क्वेश्चन की तरफ। नवा नंबर क्वेश्चन क्या है? नवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांजिशन पीरियड एम्स टू एट, मीन्स ट्रांजिशन पीरियड का एम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरा ऑप्शन है रिक्रिएशन, तीसरा ऑप्शन है सुपर कंपेंशन और चौथा ऑप्शन है रिकवरी। तो दोस्तों, ट्रांजिशन पीरियड एक पीरियडाइजेशन का पार्ट है, तो दोस्तों ये इसमें आता है हमारा रिकवरी पार्ट में। तो हमारा सही आंसर है डी। अब बढ़ते दोस्तों दसवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, सोशल कॉन्टैक्ट थियरी ऑफ प्ले वॉज पोस्टुलेटेड बाय। पहला ऑप्शन है ब्रैड एस मैसन, दूसरा ऑप्शन है पैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है जी स्टैनली हॉल और चौथा ऑप्शन है लैमली। तो दोस्तों, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी ऑफ प्ले वॉज पोस्टुलेटेड बाय जो होता है दोस्तों, वो होता है लैमली के थ्रू। ओके, तो हमारा सही आंसर है डी। अब बढ़ते ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे,
व्हाट इज द कॉज ऑफ एंजिना, तो क्या ऑप्शन है, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द लंग्स, दूसरा ऑप्शन है इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल्स, और चौथा ऑप्शन है इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द लेग मसल्स। तो दोस्तों जो कॉज होता है दोस्तों वो होता है इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल्स। ओके, तो हमारा सही आंसर है सी। अब बढ़ते दोस्तों 12वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चंस का यहाँ पे देखेंगे। ओके, 12वां नंबर क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप 12वां नंबर क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दो। ओके, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना। विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस, तो पहला ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा ऑप्शन है अनाफाइलेक्सिस, तीसरा ऑप्शन है सॉक्स, और चौथा ऑप्शन है एचपी हाइपोथर्मिया। ओके, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, मैं आप लोगों के जरूर रिप्लाई का वेट करूंगा। अब बढ़ते 13वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहाँ पे, 13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज। ओके, जो रिक्रिएशन होता है जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है फैसिलिटीज, दूसरा ऑप्शन है प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन है मटेरियल्स, और चौथा ऑप्शन है लीडरशिप। तो दोस्तों जो रिक्रिएशन ऑर्गेनाइज करने के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों होता है फैसिलिटीज। ओके, तो हमारा सही आंसर है ए। अब बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहाँ पे हम लोग, जैसा कि आपको पता है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चंस और 15 नंबर क्वेश्चंस हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूँ। अगर आप हमारे डेली टेस्ट सीरीज फिजिकल एजुकेशन से जुड़े रहेंगे तो आपको पता होगा मैं 14 नंबर क्वेश्चंस और 15 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखता हूँ, और इस वीडियो में मैंने दोस्तों 12वें नंबर का भी क्वेश्चंस रखा हुआ है। तो ये सारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने। ओके, नाउ अभी पढ़ेंगे क्या है, हाउ शुड यू ओपन द एयर वे ऑफ एन अनकॉन्सियसनेस कैजुअल्टी, तो पहला ऑप्शन है लिफ्ट द चिन, दूसरा ऑप्शन है हेड टिल एंड चिन लिफ्ट, दूसरा ऑप्शन है हेड टिल एंड जॉ थर्स्ट, और चौथा ऑप्शन है जॉ थर्स्ट। ओके, अब बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चंस की तरफ, मींस इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चंस है दोस्तों। पढ़ेंगे क्या है, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एंड अनकॉन्शियसनेस कैजुअल्टी इज ब्रीदिंग नॉर्मली, तो पहला ऑप्शन है एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स, दूसरा ऑप्शन है नो मोर देन 10 सेकेंड्स, तीसरा ऑप्शन है एटलीस्ट 10 सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड्स। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे होंगे दोस्तों तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस और नए नए क्वेश्चंस लाते रहता हूं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन से तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई देने का आपको ट्राई करूंगा। थैंक यू।